करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारत पाक जीरो लाइन से करीब 10 मीटर दूरी पर भारतीय गांव पखों के टाहली में किसान लखा सिंह की जमीन में काम शुरू कर दिया। इस दौरान लैंड पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और SDM डेरा बाबा नानक व पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। लखा सिंह किसान ने कहा कि गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे के दर्शनों के लिए जगह दे रहे हैं ताकि लोग अच्छी तरह से दर्शन कर सके। ਸਾਢੇ 16 ਗੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਕਣਕ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਆਖੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਡਕਣਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦੇਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਆਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਆਹ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ साढ़े 16 गले पिछे जाके लावे को घर ते भी 20-30 लाख लावे इना गुजारा तो ना होंगे भाया जो 25-30 ना 40 ना है कि नहीं इस तरह जी साडी लंबे समय तो किसानां दे नाल जिहड़ा डायलॉग साडा चल रहा सीगा अज सवेरे भी उन्हां नाल मीटिंग की गई है तो खुद किसानां वल्लों जिहड़ा सानू वलंटियर किया गया कि इस दी जिहड़ी शुरुआत है वो जल्द तो जल्द कराई जाए क्योंकि गुरपुरब तो पहला जिहड़ा असी इस काम नूं मुकम्मल करवाउणा ते इस संबंध च जो भी किसानां नाल गलबात हुई है ते अज जिहड़ी डीमार्केशन ICP दी हुई सीगी ते उस डीमार्केशन दे विच जिहड़ी आ असी अज जमीन क्लीयर करके जिहड़ा उह जिहड़ा शुरुआत उहदी असी कीती आ ते जित्थों तक किसानां वल्लों ऑब्जेक्शन दी गल है ते असी उहनां नाल गलबात करके उहनां नूं काफ़ी हद तक असी विश्वास दवाया कि अपने क्लेम्स उह सानूं बणा के जल्दी देण ते असी जल्दी तो जल्दी दा फाइनल अवार्ड जिहड़ा उह बना के जिहदे विच एज पर रूल प्लस किसी का भी कोई क्लेम हैगा वा वो अनहर्ड ना रहे ते जो भी कंसर्न सारे स्टेक होल्डर्स दे ने किसानां दे ने चाहे अटेंडेंट्स दे ने चाहे खेत मजदूरां दे ने सारयां दे कंसर्न जिहड़े ध्यान च रख के असीं जिहड़ा उह अगे प्रोसीड कर रहे हां। कल मीटिंग की हो जा रही है जिथे? हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड तो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ते नैशनल हाईवे अथॉरिटी ते BSF ऑफिशियल्स की कल मीटिंग हैगी है ते इहदे बारे तुहानूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले दस सकदे ने ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ICP ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨਾ ਡੇਰਾ ਬਾ ਨਾਨਕ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 50 acres ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟਨ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਔਨਗੋਇੰਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਨਾਣਾ ਟੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਜ ਹਮਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜੋ ICP ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕੰਮ ਆਜ ਹਮਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਆ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸੇ। तो कल इसकी जो है टेक्निकल कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें जो है ना वो डिसाइड किया जाएगा और आपको कल जो है उसके बारे में बताया जाएगा डिटेल में। सर आज आज क्या किया गया? आज हमने जो काम की शुरुआत किया जहाँ पे जो ICP बननी है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जिम्मेवारी मिली है तो हम अपना जो है दायित्वबाज जो है जहाँ से शुरू करने जा रहे हैं तो आज हमारा काम स्टार्ट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि जो है गुरु नानक जयंती जो 550वां जो है पर्व है गुरु जयंती का
उससे जो पहले जो है काम अड़चना ते मेरे ख्याल काम जेड़ा सी अड़चना ते कोई नहीं सी अड़चन ते जिदन उन्होंने नोटिफिकेशन सब कुछ हो गया ते सब तो पहलो इन्हां दा परिवार सरदार लखा सिंह जिहड़े साढ़े साबका सरपंच ते इह वी गुरबख्श उन्हां दा बेटा इह वी साबका सरपंच इन्होंने बिना किसी गल तो इन्होंने कहा कि जिथे गुरु नानक साहब की गल है उत्थे असीं कोई बारगेनिंग नहीं करनी तुसीं रस्ता बनाओ जो सरकार देगी सरकार हमेशा ही अपनी पब्लिक का सोच दिंदे सानूं उह मंजूर है उस करके मैं परिवार का खास तौर से सारी संगत वालों भी धन्यवाद करदा कि जिन्होंने बड़ा वड्डा दिल करके सब तो ज़्यादा जी जमीन 15 acres जी इन्होंने अज जमीन अपनी जी स्टार्ट करवाता बड़ी वड्डी गल है और मेरे ख्याल कि असी बहुत जल्दी ये रस्ते का काम जो हम थोड़े दिन स्टार्ट करके उन्होंने करना शुरू कर देखो जो पासपोर्ट या पासपोर्ट तो मेरे ख्याल पॉसीबल नहीं हो सकता कोरीडोर बनना एक रस्ते तो जाना दूजे रस्ते राही वापस आ जाना ये प्रॉब्लम सानू होनी चाहिए पर साड़ी गवर्नमेंट भी चाहती है कि पासपोर्ट को खत्म करके आधार कार्ड रख लो जां कोई आइडेंटिफिकेशन जी बंदे दी होनी चाहिए जां परमिट जरा उहदे ते जाण ते वापस आउण देखो 3-3.5 kilometers बनना तो ये तो 2 घंटे 2.5 घंटे जिन्हें जाना उन्हें उन्हें दर्शन करके वापस आ जाना तो नाल ही जी उन्होंने कहा कि 700 बंदे जी वो तो बिल पॉसिबल नहीं मेरे अपना जरा डेरा बाबा नानक इो हल्के जो लै लीए जितों चले ने तो जे इनू ही लै लीए तो 3 lakh थोड़ी पॉपुलेशन हैगी इनू ही 3 महीने निकल जाने तो जी होनी चाहिए 5,000 तो मिनीम रखनी चाहिए वैसे तो जिदा कैप्टन साहब ने कहा कि रोज़ का कोई 10-15 hours चाहिए श्रद्धालु जरा मत्था टेक के आए तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट जी उन्होंने एड्डा वड्डा दिल दिखाया दिखाया वा सानू तो हम जरा रस्ते का दिता तो उतों के प्रधानमंत्री इमरान साहब वो ये भी कर कि गिणती वधाने पासपोर्ट की जी चीज़ों वापस लैन देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो दोनों सरकार होने जो साडे चीफ सैकटरी बुलाएंगे उन्होंने नोडल ऑफिसर बनाया जो उन्होंने बुलाएंगे जरूर जाएंगे बटाला से जसविंदर बेदी की रिपोर्ट।